हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम आज एक नया चैप्टर यहां पे कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपसे कनेक्टेड है। जब भी आप बायो पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपसे ही कनेक्टेड होता है। अदर सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप इधर उधर के टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन बायो में आप अपनी बॉडी से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़ रहे हो। या तो आप अपनी बॉडी को पढ़ेंगे या आप और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को पढ़ेंगे। इन शॉर्ट, हम अपने ही बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये जो चैप्टर हमारे पास आया है ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप जानेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? देखिए, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बहुत सारे वे में हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ आपको चलना है, कहाँ नहीं चलना है, किसे आपको टच करना है, किसे नहीं करना है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जैसे कि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं, साथ मिल करके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन आपको पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन साथ मिलकर के काम कर पा रहे हैं, यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि आपको इमेज दिख रही है, आपको फ्रंट स्लाइड में आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक तो आपको बीच में ह्यूमन बॉडी पूरी दिख रही है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको दिख रहा है, आपको ब्रेन दिखाया गया है और आपको बहुत सारी नर्व्स दिखाई दी है। ठीक है, आपको बहुत सारी नर्व्स दिखाई दे रही हैं, पूरी बॉडी में एक जाल जैसा बना रही है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी इमेजेस आपके चारों तरफ आई हैं और उसमें आपको अलग अलग एक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं? इन्हीं सारी इमेजेस में आप देख सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स साथ मिल करके काम भी कर रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इस इमेज से आप काफी सारी चीजें समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारी जो पूरी बॉडी है यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ मिलके जब हम काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी कि जो यहाँ पे क्या होंगी, सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे अपनी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको अलग अलग काम को करने में मदद कर रही हैं, जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, आप क्या करेंगे, इस इमेज को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही चीजें आपको पढ़नी है, यही इमेज आपको आगे जाके पढ़नी है। दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक आपको दिखाई दे रहा है अपना ब्रेन और एक आपको ये जो अदर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रही है नर्व्स। ठीक है, क्या होती है नर्व्स, क्या होता है ब्रेन, ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस चैप्टर में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके क्या क्या टॉपिक्स आपके चैप्टर में आते हैं। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा चैप्टर होता है उसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले आपको क्या पढ़ना है और आपके टॉपिक्स किस प्रकार से आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानेंगे अपने चैप्टर के बारे में, क्या कहता है हमारा चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जानेंगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। देखिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको क्या बताया अभी तक, आप सिर्फ इतना समझिए, कंट्रोल यानी कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन यानी कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, क्योंकि अभी तक जब भी आप बात करते चले आ रहे थे आपने अलग अलग सिस्टम पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो था लाइफ प्रोसेसेस, और जिसमें आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे पढ़ा होगा। तो अलग अलग सिस्टम आपने पढ़े हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अलग अलग सिस्टम आपने पढ़े। आपने जब पढ़ा यहाँ पे डाइजेशन के बारे में,
तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपने कहा डाइजेशन हो रहा है, कोई ऐसा सिस्टम है जो डाइजेशन को कर रहा है, ठीक है। सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपने कहा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज सिस्टम, यानी कि जो आपके अलग अलग जो अंग हैं, अंगों को मिला करके जो तंत्र बनता है वो क्या करता है, एक सामूहिक कार्य करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो सिस्टम किससे मिलके बना है, आपने कहा कि आपकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है, ठीक है। आपने कहा सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरी बॉडी यहाँ पे बनती है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन शामिल होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जिसे आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने कहा इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं और इनका काम क्या होगा, डाइजेशन होगा। आपने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं और ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम भी आता है, ठीक है, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते, यही चीज आपको कहाँ पढ़नी है, इस चैप्टर में पढ़नी है। आपको वो सिस्टम पढ़ना है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी कुछ यहाँ पे ऑर्गन काम कर रहे होंगे और एक सिस्टम बना रहे होंगे। तो सबसे पहले आप एनिमल में पढ़ेंगे कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है, आप एनिमल में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग होती है। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, आप यहाँ पे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम, कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, किस चीज से मिलकर के बना होता है आपका नर्वस सिस्टम, और फंक्शन क्या है आपके नर्वस सिस्टम के, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है आपके नर्वस सिस्टम के। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो भी चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ते हो वो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ने वाले हो और ज्यादा डिटेल में। तो आपको करना क्या है, यहीं से आपको अपने बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक आप क्या बात कर रहे थे, आपने कहा एनिमल्स में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, क्या प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, क्या प्लांट में भी कुछ ऐसे ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन की, ठीक है, सभी जानते हैं हार्मोन्स के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे प्लांट हार्मोन की, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल हार्मोन की, कि एनिमल हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहली बात आप ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियों के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। अब ग्रंथियों की बात आई है तो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रंथियों के बारे में पहले नहीं पढ़ा है या ग्लैंड्स के बारे में पहले नहीं पढ़ा है। जब आप डाइजेशन की बात कर रहे थे वहां पे भी आपके पास ग्लैंड्स आई थी, ठीक है, आपने पढ़ा था वहां पे स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके पास आई थी, आपके पास लिवर यहाँ पे आया था, आपके पास पैनक्रियाज आया था, ये सारे क्या है, ग्लैंड्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस प्रकार की ग्लैंड्स थी, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, ठीक है, नाम से आपको काफी हद तक समझ आ सकता है लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि आप नाम पे नहीं जाएंगे। ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो आप नाम से ही क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, आप डेफिनेशन नाम पढ़ के ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके फंक्शन नहीं होते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ेंगे क्या क्या होती है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से वहां पे क्या होते हैं सिक्रीशन उनके पाए जाते हैं, और आप पढ़ेंगे लास्ट में डायबिटीज के बारे में, क्या होती है डायबिटीज, क्यों होती है, क्या रीजन है, कैसे आप क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। तो ये हैं आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से। चलिए, अब इंट्रोडक्शन में आपको कहा गया है कि आपने देखा आप क्या करते हैं, आप हर एक काम को कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं उस पर आप हमेशा ध्यान दे के काम करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि आप हमेशा ही ध्यान दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन आप कुछ और काम कर रहे होते हैं और सडन आपका ऐसा एक्शन आता है, आप ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे कि आपका ध्यान वहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, आप कुछ सोच रहे थे, ठीक है, आपके सामने कोई गर्म चीज रखी हुई है, कोई गर्म बॉटल आपने रख दी है, गलती से आपने उस बॉटल को टच कर लिया है, अब आप कुछ और सोच रहे थे, ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि आपके सामने एक बॉटल रखी हुई है, आप कुछ और सोच रहे थे, बट आपने जैसे ही बॉटल को टच किया आप एकदम से क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं,
आप टाइम नहीं लेते हैं, आप सोचेंगे नहीं पहले कि आपने एक गर्म वस्तु को छुआ है, अब आपको उसे हटाना है। आपका जो रिस्पॉन्स आता है वो एकदम से आता है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, एकदम से आया, जबकि आप कुछ और सोच रहे थे, ठीक है। सेकंड, आपने कहा कि आप सो रखे होते हैं, आप सो रखे हैं, अब जब आप सो रखे हैं तो क्या यहाँ पे आपका ब्रेन है वो भी सो रखा होता है? क्या अगर कोई आप सो रखे हैं और आपने किसी को डिस्टर्ब किया तो क्या आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? जैसे कि आप सो रखे हैं और आपने आपको किसी मच्छर ने काटा, आप क्या करते हैं, जहां पे मच्छर ने काटा है वहीं पे आप क्या करते हैं, उस मच्छर को भगाते हैं। क्या है ये, आपने क्या किया, तुरंत अपना रिस्पॉन्स दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपका ध्यान ना होते हुए भी आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा कोई फंक्शन, क्या ऐसा कोई सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर कि जो कि आप अनकॉन्शियस भी हैं फिर भी वहां पर काम करता है? क्या चीजें आपको बताई गई? आपने कहा डू वी स्लीप एवरी डे, यस वी डू, हम हर दिन सोते हैं, ठीक है। नहीं सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको कहा जाता है कि अगर आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, तभी आप क्या करते हैं, फ्रेश सा फील करते हैं, ठीक है। अनलेस वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और एग्जामिनेशन कमिंग अप, वी टेक अ साउंड स्लीप, बट हाउ डू वी फॉल अस्लीप, डज अवर ब्रेन जस्ट शट डाउन वंस वी आर स्लीप। आपको कहा गया है कि क्या हम हर दिन सोते हैं? हाँ, हम हर दिन सोते हैं, जब तक हमारे पास कोई महत्वपूर्ण घटना या परीक्षा नहीं आती है हम गहरी नींद लेते हैं, लेकिन हम सो कैसे सकते हैं? क्या सोते ही हमारा दिमाग बंद हो जाता है? यानी कि आपको ये कहा गया कि जब आप सो रहे हैं तो क्या आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है? तो इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी आ गया है, हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा। आप सो रहे हैं, आपको किसी ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, आप एकदम से उठ जाते हैं, जबकि अगर हमारा ब्रेन सोया होता तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है या चाहे आपको किसी ने डिस्टर्ब किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है, हाउ आर वी एबल टू रिएक्ट एज सून एज वी डिप आवर फिंगर्स इनटू अ हॉट कप ऑफ टी। ऐसे कैसे होता है कि आपने क्या किया, अचानक से कोई गर्म चीज पकड़ी, अचानक से आपने जो गर्म चाय थी उसमें हाथ डाला और आपने एकदम से क्या किया है, रिस्पॉन्स दिया है उसके प्रति। हाउ आर वी एबल टू चेंज paths while walking when we hear a car horn. क्या होता है, देखिए आप चल रहे हैं और आप क्या हैं, आपके माइंड में आपके अपने थॉट चल रहे हैं, जैसे ही पीछे से कोई कार आती है, कोई गाड़ी आती है, वो आपको हॉर्न देती है और आप एकदम से हट जाते हैं, जबकि क्या था, आपका ध्यान उस कार पर नहीं था, आपने सोचा ही नहीं कि कोई कार आएगी और आप हटेंगे। यानी कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसे हम सोच करके नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद हो जाते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। यही आपको बताया जा रहा है, योर आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज दैट एनिमल्स हैव अ सिस्टम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज सडन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो क्या कहा गया है, जैसे ही हम गर्म चाय के कप में अपनी उंगलियों डुबोते हैं तो हम कैसे प्रतिक्रिया कर पाते हैं? आपको क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको कहा गया कि चलते समय जब हम कार का हॉर्न सुनते हैं तो हम रास्ता कैसे बदल लेते हैं, तो आपको रीजन पूछा जा रहा है, क्योंकि कार पीछे से आ रही है, क्योंकि कार हमारे पीछे से आती है। अगर कार हमारे आगे से आएगी हम देखेंगे, हम सोचेंगे कि हमें साइड होना है, क्योंकि कार पीछे से आ रही है, हमने सोचा नहीं कि कार आ रही है, कार ने एकदम से हॉर्न दिया और हमने उसी टाइम क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया है, तो क्या वो सडन रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यह है कि जानवरों में एक प्रणाली होती है जो उत्तेजनाओं के प्रति इन सभी अचानक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है, और इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। अभी तक क्या समझे इस बात से, अभी तक सिर्फ आप इतना समझे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जो एकदम से होते हैं, जो अचानक से होते हैं, जो आप सोच समझ के नहीं करते हैं, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने अचानक से कुछ ऐसी चीज देखी जिससे आप डर गए, तो आप क्या करेंगे, आप अचानक से वो रिस्पॉन्स देंगे जिससे कि आप अपनी रक्षा कर सकें। ऐसा क्यों होता है, आपको बताया गया कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ये सडन रिस्पॉन्स देता है, और उस सिस्टम को आप क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम कहेंगे। नर्वस सिस्टम के अलावा एक और नया शब्द यहाँ पे आया है,
वो है स्टिमुलाई, नया नहीं कहेंगे, आपने कई बार सुना होगा स्टिमुलाई, आपने सुना होगा रिसेप्टर। ये जो वर्ड्स हैं ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टिमुलाई और रिसेप्टर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है। आपने कहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपने कहा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। आपने कहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है कि लोकेशन कहाँ पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उसी प्रकार से आपको क्या पता करना है, नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बना है दो पार्ट से मिलकर के। ये आपके पास एक टेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने क्या करना है इसे नोट भी करते चले जाना है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे आप क्या कहेंगे, सीएनएस कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब भी मैंने सीएनएस कहा उसका मतलब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप क्या कहेंगे, पीएनएस कहेंगे। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दो पार्ट से मिलकर के बना है। पहला आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इनके टर्म्स पे जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं। सेंट्रल का मतलब है कोई ऐसा सिस्टम होगा जो आपके सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो आपके सेंटर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि चारों ओर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं आप शब्दों का मतलब, पेरिफेरल क्या होता है और सेंट्रल क्या होता है, ठीक है। अब सेंट्रल में क्या क्या चीजें आती हैं, सेंट्रल में आपके पास दो चीजें आती हैं, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या बात हमने की है, हमने कहा है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दो भागों से मिलकर के बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, कौन कौन से वो दो पार्ट आते हैं, आपका ब्रेन आ गया है और आपके स्पाइनल कॉर्ड आ गई है, ठीक है। आपका ब्रेन भी आपके सेंटर में प्रेजेंट है और आपकी जो बैक बोन है वो जहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है वो भी सेंटर में प्रेजेंट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ गई हैं। अब आप समझ रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, वहां पे आपका ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, आपका ब्रेन भी शामिल है, आपके स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट है, ये दो चीजें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं पीएनएस की, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपने कहा कि जो आपका, देखिए इस इमेज को देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। उसमें आपने कहा ये है आपका ब्रेन, ठीक है, और ये आपको फ्रंट साइड दिखाई दी है। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो यही जस्ट पीछे आपकी क्या होगी, बैकबोन होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी आपकी बैकबोन होगी, जिसे आपने क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड कहा। तो ये दोनों क्या है, आपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए इन दोनों के अलावा आपको बॉडी में कुछ जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो ये सारी क्या है, नर्व्स हैं। ये सारी आपको क्या दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये नर्व्स दिखाई दे रही हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। और क्या कहते हैं इसे, आपने कहा ये सारी क्या होंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए, बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अलग से यहाँ पे पार्ट आते हैं। आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आप और ज्यादा डिटेल में समझेंगे इनका मतलब। अभी के लिए आपको क्या समझना है, आपको के पास दो पार्ट आते हैं सीएनएस और पीएनएस, और ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, देखिए आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी चीजें हो रही हैं उनको, उनका जो मैसेज है वो कौन पहुंचा रहा होगा, आपने कहा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने कहा कि मेनली क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। इतना भी आपको पता है कि जो भी चीजें होती हैं उसकी कमांड हमारा ब्रेन हमें देता है। हमारी बॉडी अगर कंट्रोल हो रही है तो किसकी वजह से है, हमारे ब्रेन की वजह से है, ठीक है। कोई भी कमांड आपको दी जाती है, कोई भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका ब्रेन आपको बताता है।
लेकिन हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है? आपने कहा आपके हेड में ही होता है, ठीक है। अब ब्रेन ने क्या करना है, कमांड भी देनी है और ब्रेन को मैसेज भी पहुंचाना है। हमारी बॉडी में क्या चल रहा है इसका मैसेज आपको कौन पहुंचाएगा? इसका मैसेज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पहुंचाएगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, ब्रेन को जो मैसेजेस दिए जाएंगे उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे कमांड देगा। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है जिसे हमें डिटेल में अभी पढ़ना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, जैसे कि स्टिमुलाई और जैसे कि रिसेप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे स्टिमुलाई क्या होते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं स्टिमुलाई की, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है स्टिमुलाई में, जिसमें आप कह रहे हैं हियरिंग है, विजन है, टच है, स्मेल है और टेस्ट है। ये आपके पास टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई आए हैं। तो क्या होता है स्टिमुलाई, देखिए कोई भी वो चीज जो कि आपको प्रभावित कर रही है, ठीक है, जिसका कि आप पर प्रभाव पड़ रहा है और आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, क्या है, आप पर फर्क पड़ा है, आपकी बॉडी पर फर्क पड़ा है, आपने फील किया है। तो जो भी चीज आप महसूस करते हैं वो सारे के हैं आपके लिए स्टिमुलाई है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ये भी स्टिमुलाई है, ठीक है। आप पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया, ये भी स्टिमुलाई है, ठीक है। आपको कहीं से अच्छे खाने की खुशबू आई, ये भी स्टिमुलाई है। आपको किसी शोर ने परेशान किया, वो भी स्टिमुलाई है। आपको कोई सॉन्ग अच्छा लग रहा है, ये भी स्टिमुलाई है। इन शॉर्ट आपको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टिमुलाई होते हैं वो ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको प्रभावित करती हैं, ठीक है, जिनका आप पर प्रभाव पड़ता है। अब स्टिमुलाई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने कहा स्टिमुलाई क्या है, आपने कुछ देखा, जब आपने कुछ देखा तो आपने उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सामने एकदम से शेर को देखा, तो आपने क्या किया, आप भागे वहां से, ठीक है, आपने खुद को बचाने की कोशिश की। अभी एग्जाम्पल आया था हमारे पास कि जब आप चल रहे हैं और पीछे से एक कार आई है तो उसने हॉर्न दिया आपको और आप एकदम से हट गए हैं। तो जब आप एकदम से हटे तो कैसे हटे, क्योंकि आपने कुछ सुना, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, कुछ सुना। तो वो क्या था, स्टिमुलस था, वो जो हॉर्न आपके लिए है वो स्टिमुलस है और आपने क्या किया, अब आप वहां से हट गए हैं, तो वो आपका रिस्पॉन्स था। आपने पढ़ा होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन होता है, ठीक है। स्टिमुलाई जिस हिसाब से आएगा रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से आता है। आपसे किसी ने अच्छे से बात की, आप भी अच्छे से बात करेंगे। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप भी बदले में थप्पड़ मारेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि जिस हिसाब से आपके पास स्टिमुलस आएंगे, जिस हिसाब से आपको क्या होगा, यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी आप उसी अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपने क्या कहा कि जो टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई है वो पांच प्रकार के आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने कहा विजन, आपने कुछ देखा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। आप हो सकता है आपको अच्छी चीज देखने को मिली तो आप खुश हुए, आपको बुरी चीज देखने को मिली तो आप क्या हुए, दुखी हुए, आपको डरावनी चीज देखने को मिली तो आप डर गए हैं। तो ये क्या है, आपका स्टिमुलस है, ठीक है। दूसरा आपने क्या, हेयरिंग, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया, आप रोड पर चल रहे हैं, आपने हॉर्न को सुना, आपने एकदम से अपना रिस्पॉन्स दे दिया है, ठीक है। आपको किसी ने हेलो कहा और आपने तुरंत उसका जवाब हाई में दिया है, तो ये क्या है, आपका स्टिमुलस है, ठीक है। तीसरा आपने का टेस्ट, आपने कुछ खाया, कुछ टेस्ट किया, तो वो क्या था, स्टिमुलस था आपके लिए और आपने एकदम से रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। आपने क्या कि एकदम से रिस्पॉन्स दिया, आपने कहा वाओ बहुत अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है, ये आपके क्या है, रिस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा स्मेल, अब स्मेल से भी क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आपने कोई कुछ चीज सड़ी गली है तो आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे। आप बहुत भूखे हैं और आपको खाने की खुशबू आए, तो क्या हुआ, आपका सलाइवेशन हुआ है, आपके मुंह में सलाइवा आ गया है। तो ये सलाइवा आना क्या होता है, आपने कहा ये आपका रिस्पॉन्स है किसके प्रति, स्मेल के प्रति, ठीक है, ये आपका क्या है, स्मेल के प्रति रिस्पॉन्स है। आप आगे चल के पढ़ेंगे, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जब एक कुत्ते को उसकी टाइमिंग फिक्स की गई थी कि उसे खाना तभी मिलेगा जब यहाँ पे एक बैल बजेगी, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें एक कुत्ते को क्या किया जाता था, पहले बैल बजाई जाती थी और जस्ट उसी टाइम उसे खाना दिया जाता था। ये बहुत बार रिपीट किया गया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि बैल बजी और कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में सलाइवेशन हो गया। ये क्या हुआ था, ये ऐसा हुआ था क्योंकि वो जो स्टिमुलस था, खाना क्या था, यहाँ पे स्टिमुलस क्या था,
कुत्ते के लिए स्टिमुलस क्या था? फूड था, ठीक है, लेकिन ये फूड किससे कनेक्टेड था? आपने कहा ये रिंग से कनेक्टेड था, यानी कि वहां पे क्या हुआ, जो घंटी की आवाज थी उसने क्या किया, उसे कनेक्ट कर दिया भोजन से, क्योंकि जब भी बेल बजती उसे खाना मिलता। अब लास्ट में क्या हुआ, बेल बजी लेकिन उसे खाना नहीं दिया गया, लेकिन सलाइवेशन फिर भी हो गया है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, उस रिंग को उसने अपना स्टिमुलस मान लिया है कि रिंग बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे ये लोग? नेक्स्ट है आपका टच। टच भी क्या है आपका, स्टिमुलस है। ठीक है, आपको मैंने कहा कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको क्या हुआ, पेन हुआ, आपको क्या हुआ, फील हुआ, आप प्रभावित हुए और आप क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप खड़े हैं कहीं पर और आपको किसी ने टच किया, तो आपको ये पता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, किसी ने आपको टच किया है, तो ये सारे आपके पास क्या आते हैं, स्टिमुलाई आते हैं। स्टिमुलाई वो चीज है जिसका कि आप पर फर्क पड़ता है, जिसका कि आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि आप महसूस कर पाते हैं। तो ये सारे क्या है, आपने सेंस ऑर्गन पढ़े हैं, अपने सारे क्या है, सेंस ऑर्गन की वजह से ये आप सारे स्टिमुलाई देखते हैं। तो जो आपके सेंस ऑर्गन हैं, तो जिस भी चीज का प्रभाव आपके सेंस ऑर्गन पर पड़ेगा वो सारी चीजें आपके लिए स्टिमुलाई होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो पांचों चीजों को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, ये तो बात थी यहाँ पर स्टिमुलस की। अब बात आती है यहाँ पे एक और चीज की, वो है रिसेप्टर। ठीक है, क्या होते हैं रिसेप्टर? ये आपकी रिसेप्टर हैं। अब आप कहेंगे कुछ देर पहले हमने यही सारी चीजें देखी थी, कुछ देर पहले हमने टच के बारे में बात की, हमने स्मेल के बारे में बात की, टेस्ट के बारे में बात की, तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है, स्टिमुलाई क्या है, आपने कहा हॉर्न बजा, वो क्या था, स्टिमुलाई था। ठीक है, उसका फर्क आपकी बॉडी पे पड़ा, लेकिन आपकी बॉडी पे पड़ा कैसे, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स थी, कुछ ऐसी कोशिकाएं थी जिन्होंने उस स्टिमुलस को क्या किया, रिसीव किया। रिसीव का मतलब समझते हैं आप लोग, आप कहते हैं कि फोन रिसीव कीजिए, या मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई। ठीक है, यानी कि अटेंड करना, यानी कि क्या करना, एक्सेप्ट करना, अटेंड करना, या फिर क्या करना, उस चीज को आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करती हैं या रिसीव करती हैं। तो जब यहाँ पे हॉर्न बजा था, तब क्या हुआ, आपके कानों ने वो हॉर्न सुना। ठीक है, क्या हुआ, कानों ने हॉर्न सुना, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर थे जो कि नॉइस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि स्मेल को रिसीव करती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जब भी आप देखते हैं तो उसे रिसीव करते हैं। तो जो रिसीव करने वाली सेल्स होती है उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे। अब आपके पास स्टिमुलाई भी पांच है तो रिसेप्टर भी पांच है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए, आपने कहा, आपने सुना, आपने म्यूजिक सुना या आपने कोई शोर सुना, आपने सुना, जो यहाँ पे म्यूजिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो म्यूजिक आपने सुना है वो है स्टिमुलाई। ठीक है, लेकिन आपके जो कान है या कान में जो सेल्स हैं वो क्या है, रिसेप्टर हैं। समझ रहे हैं आप लोग दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने कहा आपने म्यूजिक को सुना, तो म्यूजिक क्या था आपके लिए, म्यूजिक था आपके लिए स्टिमुलाई, और आपके कान आपके लिए क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है। ठीक है, आपने कहा स्मेल, अब जो भोजन की खुशबू थी वो आपके लिए क्या थी, आपने कहा स्टिमुलाई था, लेकिन आपके जो नाक की सेल्स हैं जिन्होंने उन्हें रिसीव किया वो थे रिसेप्टर। बहुत छोटा सा डिफरेंस है आपके स्टिमुलाई में, रिसेप्टर में। ठीक है, स्टिमुलाई क्या है, बाहर की चीजें, एक्सटर्नल थिंक है, और जो आपके पास रिसेप्टर आते हैं वो आपकी अपनी सेल्स हैं। ठीक है, वो आपकी क्या है, अपनी सेल्स, अपनी बॉडी के अंदर है। तो आपकी बॉडी के अंदर के सेल्स हैं रिसेप्टर, जो कि बाहर की चीजों के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, और वो बाहर की चीज क्या है, वो आते हैं आपके पास स्टिमुलाई। आपने कहा टच, अब टच में क्या है, देखिए, गर्म है, ठंडा है, कैसी भी चीजें हैं वो है आपके लिए स्टिमुलाई, लेकिन आपकी जो स्किन है वो क्या है, आपके रिसेप्टर है। आपने गर्म वस्तु को पकड़ा, आपने एकदम से हाथ हटा लिया, तो गर्म वस्तु आपके लिए क्या है, स्टिमुलाई है, और आपके हाथ आपके लिए क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है। आपने कहा टेस्ट, तो जो भी वो भोजन था वो आपके लिए स्टिमुलाई था। ठीक है, रिसेप्टर कौन है, आपने कहा टेस्ट बर्ड, आपके रिसेप्टर यहाँ पे आ जा रहे हैं। आपने कहा साइट, आपने कहा जो भी चीजें आपने देखी, चाहे आपने यहाँ पे शेर को देखा,
वो क्या था? स्टिमुलाई था आपके लिए, और आपकी आंखें जिन्होंने रिसीव किया है वो आपके लिए क्या है? रिसेप्टर है। यही डिफरेंस होता है रिसेप्टर और स्टिमुलाई में। तो क्या करना है आपने, अपने अकॉर्डिंग आपने लिखना है कि रिसेप्टर किसे कहेंगे और स्टिमुलाई किसे कहेंगे। चलिए तो पढ़ लें कि रिसेप्टर किसे कहते हैं। आपके पास जो डेफिनेशन आती है आपने कहा रिसेप्टर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यानी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्थित विशेष संरचनाएं होती हैं या विशेष सेल्स, आप सेल्स यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, जो संदेशों को पहचानने और प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। क्या करेंगे? संदेशों को पहचानने में सक्षम होते हैं, ठीक है, और पहले क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा सेंसरी रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर ऑन रिसीविंग एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस सेंड एन इंफॉर्मेटिव इम्पल्स टू ब्रेन थ्रू द न्यूरॉन्स। यानी कि संवेदी रिसेप्टर्स जीवित जीवों के इंद्रिय अंगों पर स्थित होते हैं। आपने जो भी रिसेप्टर पढ़े आपने क्या कहा, आपने कहा जो आपके सेंस ऑर्गन है वही आपके रिसेप्टर हैं, वहीं पे आपके क्या पाई जा रही है, स्पेशल सेल्स पाई जा रही हैं, वही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जो पर्यावरणीय उत्तेजना प्राप्त करने पर न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क को एक सूचनात्मक आवेग भेजते हैं। क्या करेंगे? ये जो आपकी रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरॉन्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब न्यूरॉन्स कहाँ फैलेंगे? आपने कहा पीएनएस में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पे पूरी नर्व्स ही फैली हुई हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके माध्यम से मस्तिष्क को एक सूचना देंगे। दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, देयर आर वेरियस रिसेप्टर्स फाउंड इन अवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग द स्मेल, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग द टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियां हैं। हमारे शरीर में विभिन्न रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि गंध का पता लगाने के लिए घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए क्या होते हैं, स्वाद संबंधी रिसेप्टर्स होते हैं, और देखने के लिए जो आप यूज करते हैं आपने कहा वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या होगा आपने कहा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, किसके लिए होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। गैस्ट्रेटरी होते हैं किसके लिए, यहाँ पे टेस्ट को पता करने के लिए। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आप देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, आपने कहा कि जो आपका आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी पूरी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप अचानक से करते हैं, किसकी वजह से हो रहा है, आपने कहा नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। अब नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, आपने कहा पूरी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी सारी नर्व्स आती हैं जो पूरी बॉडी में आपकी क्या हुई है, जाल की तरह फैली हुई है। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पे स्टिमुलस की, क्या होते हैं स्टिमुलस, कितने प्रकार के स्टिमुलस होते हैं। इसी के साथ हमने बात की है रिसेप्टर की, कि रिसेप्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। तो अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर है उसका जनरल ही देखा है, अभी तक अपना हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आज आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।